18 सितंबर को उरी हमला हुआ था। सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया था और जवाबी कार्रवाई में सेना ने सभी चारों आतंकियों को ढेर कर दिया था। तब से लेकर पंपोर हमले तक सेना ने 10 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। सेना ने आज पंपोर में छिपे दूसरे आतंकवादी को भी ढेर कर दिया। करीब 56 घंटे चला सेना का पंपोर कॉम्बिंग ऑपरेशन। करीब 57 घंटे, 250 रॉकेट लॉन्चर, 1000 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड, अनगिनत बुलेट और 2 आतंकवादी। इस तरह से पूरा हुआ पंपोर ऑपरेशन। सोमवार सुबह करीब 6 बजे से चल रहा एनकाउंटर करीब 3 बजे खत्म हो गया। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर ईडीआई बिल्डिंग के बिल्कुल सामने हैं। आप देख सकते हैं ये वो बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा है, हालांकि अभी अंदर जाना यहाँ इजाज़त नहीं मिल रही है अंदर जाने की। और ये वो सेना के जवान हैं जो इस ऑपरेशन में शामिल थे और जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ईडीआई की 7 मंजिला इमारत के करीब 60 कमरों में से किस कमरे में आतंकवादी छिपे थे इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। 2 दिन तक हमने टारगेट को प्रिपेयर किया और आज सुबह के टाइम पर जब 9 बजे हम थोड़ा श्योर हो गए थे तब हमने रूम के अंदर एंट्री करी। और रूम की एंट्री के अंदर मैं फिर बता देता हूँ, इसके अंदर 60 कमरे थे और 60 बाथरूम थे, 120 कमरे हैं और सब कमरों को एक एक करके करना पड़ता है, इकट्ठा मैं नहीं कर सकता हूँ। इस कारण से इन सब ऑपरेशंस के अंदर में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस पूरे अभियान में सिर्फ सेना ही लगी थी। सेना के मुताबिक कमरों में छिपे आतंकियों का ठीक ठीक पता नहीं चल रहा था। मंगलवार को एक आतंकवादी मारा गया था, आज सुबह सेना के हेलीकॉप्टर ने आतंकियों की पोजीशन की ढोली। इसके बाद शुरू हुआ आतंकियों के सफाई का अभियान। ऑपरेशन खत्म हो चुका है, 2 टेररिस्ट एलिमिनेट हो चुके हैं, 2 उनके साथ में राइफल मिली है अभी तक, बाकी सामान की अभी शिनाख्त करी जा रही है। 7 मंजिली इमारत के एक एक कमरे और एक एक बाथरूम की तलाशी ली गई। अभियान बेहद चुनौती भरा और खतरनाक था, लेकिन भारतीय सेना की ये दिलेरी उसे दूसरी सेनाओं से महान बनाती है। टास्क मुश्किल था, आतंकी कमरों में छिपे बैठे थे, ये भी नहीं पता था कि अंदर कितने आतंकी हैं। इसीलिए ऑपरेशन खत्म होने में 57 घंटे का वक्त लग गया। इस ऑपरेशन से आतंकियों को सेना ने ये सबक भी दे दिया कि तुम जितने भी आतंकी भेजोगे हम चुन चुन कर उनको उनके अंजाम तक पहुंचा देंगे। खालिद हुसैन, जी मीडिया, पंपोर।